दुख काटो दया कर निदर्शन आपो शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी निदर्शन। हमारा जल चढ़ाना, हमारी शंकर के प्रति स्तुति करना, बोल मम का नारा है। देवाधिदेव महादेव की भक्ति जब हम करें, भगवान शंकर के चरणारविंद का जब रस तत्व हम ग्रहण करें, उसके करीब में, उसके नजदीक में जब हम पहुंचे, उस समय पर हमारा दुख हमारा नहीं होना चाहिए, हमारा कष्ट हमारा नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर की भक्ति के प्रति जब हम जागृत हों, भगवान शिव की भक्ति के प्रति जब हमारी जागरूकता बढ़े, जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव के करीब में पहुंचे, शिव के नजदीक में पहुंचे, उस समय पर आपकी जिंदगी में कितनी भी तकलीफें हों, कितना भी दुख हो, जैसे एक बेटी जब माई के जाती है, एक बेटी जब माई के पहुंचती है, और बेटी जब माई के जाती है तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि लाडो तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है, बाबू तुझे कोई दुख तो नहीं है, तुझे कोई कष्ट तो नहीं है। जैसे एक बेटी से उसका पिता पूछता है कि तेरी जिंदगी में कोई दुख तो नहीं है, तेरी जीवन में कोई तकलीफ तो नहीं है, तेरे जीवन में कोई कष्ट तो नहीं है, तेरे जीवन में कोई दुख तो नहीं है, उसी तरह जब हम देवाधिदेव महादेव के करीब में जाते हैं, भगवान शंकर के नजदीक में जाते हैं, भगवान शिव के पास जाते हैं, भले महादेव आपसे बात ना करें, भले भगवान शंकर
आपसे बात ना करें, और जिस समय पर हम धीरे धीरे बाबा देवदीदे महादेव को जल चढ़ा रहे होते हैं, उस समय पर महादेव हमारे चढ़े हुए जल से हमारे नयनों के आंसू को पहचान कर हमारी झोली में खुशियां प्रदान कर देता है। हमको लगता है कि हम मंदिर गए, हमको लगता है कि हम देवदीदे महादेव के देवालय में गए हैं, भगवान शंकर के शिवालय में गए हैं, भगवान के मंदिर पहुंचे हैं, भगवान की चौखट पर पहुंचे हैं, भगवान के दरवाजे पर पहुंचे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो हम भगवान शंकर के मंदिर नहीं गए, हम शिव जी के शिवालय में नहीं गए, हम भगवान शंकर के देवालय में नहीं गए। पहुंचकर अपने दिल की बात अपने बाबुल से अपने पिता से कहने के लिए पहुंचे हैं, अपने पिता से कहने के लिए हम अपने दिल की बात बाबा देवदीदे महादेव से कहने के लिए पहुंचे। आप आए हो कथा के अंदर, कथा में पहुंचे हो, बैठे हो, जहां आपको जगह मिली आप वहां बैठ गए। कई लोग तो छाता लगा लगाकर धूप में सुबह से बैठे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जब कथा चालू हो गई तब VIP बनकर आते हैं और पूरी कथा को बिगाड़ते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि सीओर वाले महाराज को खाना खिला रहे हो तो तुम्हारे पक्ष में बोलेगा, है इसलिए बाबा देवदीदे महादेव की अगर कथा सुनना है तो जैसे ये सब सवेरे 9 बजे से आकर जगह संभाल कर बैठते हैं वैसे आपको बैठना चाहिए। देखो तो शंकर है क्या, पहचानो तो शिव है क्या। जब वो देने में कमी नहीं रखता तो हम उसके भजन में कमी कैसे रख सकते हैं, उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आपकी भक्ति जितनी दृढ़ बना सकते हो उतनी दृढ़ बनाओ, आपकी भक्ति जितनी प्रबल बना सकते हो उतनी प्रबल बनाओ। जरा इन सभी शिव भक्तों से पूछो, इस पूरे ग्राउंड के ना जाने कितने दरवाजे हैं, एक दरवाजे पर भक्त पहुंचते हैं तो कहते हैं अगले पर जाओ, अगले पर पहुंचते हैं तो कि अगले पर जाओ, अगले पर पहुंचते हैं तो अगले पर जाओ, अगले पर पहुंचते हैं तो अगले पर जाओ। कोई पांव से तकलीफ में है, कोई वृद्ध है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चे वाली है, कोई गर्भस्थ है, कितना पूछते पूछते तब जाकर बड़ी मुश्किल से इस ग्राउंड के अंदर प्रवेश कर पाते हैं, तब पहुंचकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर पाते हैं, तब इस कथा को मिल पाते हैं। बाबू, कोटा की माताओं और मेरे भाइयों, हीरे जैसी कथा है, समझ गए तो तुम्हारे भाग्य खुल गए, अगर कंकर समझा और पत्थर समझा तो तुम्हारे जिंदगी में तुम कुछ नहीं ले पाओ। हीरे जैसी कथा है, इसको जितना ले लोगे उतनी अपनी जिंदगी सवार लो, अपने जीवन को सार्थक कर लो। थोड़ी शांति बनाकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लोगे तो आप लोगों की आनंदता रहेगी। टीचर का काम है 3 घंटे 1 घंटा पढ़ाई कराता है, स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कितना ग्रहण कर सकता है, अच्छे से ग्रहण कर लिया तो पास हो गया, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव कथा कह रही है, भगवान देवदीदे महादेव का संवाद कह रहा है। भक्ति करने वाला व्यक्ति किसी दौड़ में कभी शामिल नहीं होता। कोई कहता है कि हमने 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, तुमने अगर 1 बार करा है तो तुम अपने मुख से कभी मत कहना कि तेर को देखकर मैं 5 बार व्रत करूंगा। कोई 16 सोमवार के व्रत कर लिया
पांच छह बार, 16 सोमवार के व्रत जब पांच छह बार कर लिए और किसी ने कह दिया कि मैंने तो पांच बार पशुपति व्रत करे, मैंने तो तीन बार 16 सोमवार के व्रत करे, मैंने तो बेलपत्री का व्रत करा, मिश्री का व्रत करा, चूरमे का व्रत करा, मैंने सारे व्रत धारण करे, सब व्रत मैंने बहुत करे, और जब इस दौड़ में तुम शामिल मत होना, इस दौड़ में तुम सम्मिलित मत होना कि किसी को देखकर कोई अगर 15 व्रत कर रहा है, कोई 5 व्रत कर रहा है, कोई 3 बार पशुपति व्रत कर रहा है, कोई 2 बार पशुपति व्रत कर रहा है, या कोई 16 सोमवार के व्रत कर रहा है, या कोई संकट सोमवार के व्रत कर रहा है, हमें देखकर कभी भी इस दौड़ में शामिल नहीं होना। हम देखकर इस दौड़ में शामिल ना हो। प्रयास करना जितना इस शरीर से बने, जितना इस मन से बने, जितना इस चित्त से बने, जितना इस इंद्रियों से बने, उतने व्रत, उतने उपास, उतना भजन अपनी जिंदगी में धारण करना। दिखावे से व्रत की प्रबलता कभी नहीं होती। दिखावा करने से कभी भी व्रत की मूलता नहीं होती महाराज। व्रत की मूलता है आपके भरोसे पर, आपके विश्वास पर। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। हमने देखा कि उसने सोमवार का व्रत करा तो हमने भी सोमवार का व्रत कर लिया, उसने मंगलवार का व्रत करा तो हमने भी मंगलवार का व्रत कर लिया, उसने बुधवार का व्रत करा तो हमने भी बुधवार का व्रत कर लिया। ना ना, पहले हमारे भीतर हम विश्वास को प्रबल करें, पहले हमारे भीतर हम भरोसे को दृढ़ बनाएं, और जब हमारा भरोसा, जब हमारा विश्वास दृढ़ बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, तो एक बार अगर आप पशुपति व्रत कर लोगे तो निश्चित है देवाधिदेव महादेव झोली भर जाए। पहले हम अपने भरोसे को तो पक्का करें, पहले हम अपने विश्वास को पक्का करें, अपने भरोसे को पक्का करें, अपनी दृढ़ता को पक्का करें, तब तो परमात्मा मिलेगा ना। अरे मैंने तेरे ही भरोसे, बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पकड़, शंभो मैं। आपका विश्वास जितना पक्का हो जाए, जितना दड़ी बन जाए, उतना दड़ी बना लो। शंभो, जय हो प्रभु आपकी।
विश्वास की कथा है, शिव महापुराण की कथा, भरोसे दृढ़ता की कथा है, भरोसा प्रबल हो, विश्वास दृढ़ी हो, उस विश्वास में आप अगर एक व्रत को भी धारण करोगे तो वो व्रत में सफलता मिलती है। एक व्रत भी अगर आपने धारण करा है तो उसमें आपको सफलता मिलती है। और यदि हम दिखावे के वश थोड़ा भी कुछ करते हैं तो उसमें कुछ आनंद की अनुभूति नहीं होती, उसमें सुख का भान नहीं होता, उसमें आनंद का भाव नहीं प्रकट होता। जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव का उपासक होता है, जो भगवान की अविरल भक्ति को पाने वाला होता है, वो किसी ऐसी दौड़ में शामिल नहीं होता जिस दौड़ में उसको हाफड़ी भरा जाए या हाफ भरा जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो दौड़ में शामिल होता है हाफ उसी को भराती है। आप सब शिव की कथा को सुनने के लिए आए हो, इसलिए एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि हमें दिखावे की दौड़ में तभी शामिल नहीं होना, हमें शामिल होना है तो जो भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, दौड़ में अगर शामिल हो गए तो जल्दी हांफ जाओगे, चलते चलते आगे बढ़ोगे तो यह पक्का है कि चलने वालों से आगे निकल जाओ। मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता जी, संत तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, ये सब किसी दौड़ में शामिल नहीं हुए। अभी एक नई दौड़ लोगों के बीच में शामिल हो गई, एक नई दौड़ चालू हो गई। कौन सी दौड़ है? तो कहा कि भगवान को मैंने तो 108 लोटा जल चढ़ाया, तो दूसरे व्यक्ति ने सुन लिया कि मैंने उसने 108 लोटा चढ़ाया तो मैं 151 लोटा चढ़ाऊंगा। एक नई दौड़ से शामिल हो गई कि उसने 108 लोटा जल चढ़ाया तो मैं 151 चढ़ाऊंगा। फिर एक नई दौड़ चालू हो गई सावन के महीने में, मेरे घर के अंदर में शिवजी का अनुष्ठान करता हूं तो 125,000 बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करता हूं। दूसरे व्यक्ति ने सुना, उसने कहा अगर ये 125,000 बेलपत्र समर्पित करता है तो मैं 225,000 बेलपत्र समर्पित करूंगा। ये दौड़ है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है 125,000 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाने से पहले शिव महापुराण की कथा कहती है क्या आपने 125,000 सेठ जी से कहा, सेठ जी ये 125,000 बेलपत्र है, भगवान शंकर को समर्पित कर दो। इस दौड़ में कभी शामिल मत होइए। आप दिखावे की दौड़ से जितना दूर रहोगे उतने सुखी रहोगे। अगर दौड़ की जगह चलना प्रारंभ करो तो जीवन का एक आनंद होगा, जैसे कड़प। शिवजी का एक भक्त कड़प, वो शंकर भगवान का भक्त नहीं था, वो शंकर भगवान की आराधना नहीं जानता था, वो शंकर भगवान की उपासना नहीं जानता था। एक बार उसने जब बचपन में छोटी सी अवस्था थी, मात्र 4.5 साल का कड़प था, केवल 4.5 वर्ष का कड़प, 4.5 वर्ष की अवस्था में कड़प ने केवल अपनी माता के मुख से सुना था कि शंकर भगवान का एक पत्थर का शिवलिंग होता है, वो शिवलिंग में कोई दूसरा नहीं होता, देव अधिदेव महादेव उस शिवलिंग के अंदर 24 घंटे विराजमान रहता है, ये कड़प ने सुना था।
ये कड़प निर्धारण कर रहा था कि 24 घंटे देवाधिदेव महादेव शिवलिंग के अंदर विराजमान रहते हैं। 24 घंटे भगवान शिव उस शिवलिंग के अंदर विराजमान रहते हैं। ये कड़प ने सुना था 4.5 वर्ष की आयु में, 4.5 वर्ष की उम्र में। हम क्यों कहते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चों को कथा में लेकर आना चाहिए तो उनको ज्ञान प्राप्त होता है। पहले का जो समय था, जो दादियां होती थी, वो दादी अपने बच्चे को सुंदर भगवान की कथा सुनाया करती थी। आजकल ना दादी के पास फुर्सत है, ना पोते के पास फुर्सत है। दादी को मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, पोते को पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, तो दोनों कहीं ना कहीं व्यस्त होते चलेगा। तो दादी आज के जमाने में अपने पोते को कोई धर्म की कथा, प्रहलाद की कथा, नरसिंह जी की कथा, ध्रुव जी की कथा, मीराबाई की कथा, कर्माबाई की कथा कोई नहीं सुनाता। आज के जमाने में जितने भी यहां पर पेरेंट्स बैठे हुए, जितने माता पिता बैठे हुए, जितने लोग यहां कथा सुनने के लिए बैठे हैं, आप सब ईमानदारी से बोलना, आप में से कितनी माता है जो अपने बच्चे को तुकाराम जी बनाना चाहती है, मीराबाई बनाना चाहती है, कर्माबाई बनाना चाहती है, रामकृष्ण परमहंस बनाना चाहती है? एक माता ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चे को रामकृष्ण परमहंस, तुकाराम, मीराबाई, नामदेव, कर्माबाई बनाना चाहे। या जितनी बैठी हुई है सब माताएं एक ही बात चाहती है, मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, SP बने, DSP बने, SDM बने, ये बने, वो बने। पर अपने बच्चे को ना तो कोई मीरा बनाना चाहता है, ना कोई कर्मा बनाना चाहता है, ना कोई नरसिंह मेहता बनाना चाहता है, ना कोई संत तुकाराम बनाना चाहता है, ना कोई रामकृष्ण परमहंस बनाना चाहता है। पुराण की कथा कहती है, मत बनाओ आप अपने बच्चों को मीराबाई, मत बनाओ आप अपने बच्चे को तुकाराम, मत बनाओ आप अपने बच्चे को रामकृष्ण परमहंस, पर इतना तो बनाओ कि आपका बच्चा आपके बुढ़ापे में आपको एक गिलास पानी पिला सके, इतना तो बना लो, बहुत है। बच्चों को कार देने से पहले संस्कार देने का प्रयास करना। कार दोगे तो बच्चा बेच कर खजाएगा, संस्कार अगर बच्चे में आ गए तो दरवाजे पर कार की लाइन लगा देगा, ये पक्का। किसी ने थोड़ी सी बुराई करी, किसी ने थोड़ी सी निंदा करी और आप उससे झगड़ा करने चले गए, ना ना। एक बात अपने अंदर याद रखना, तुम लोग स्नान कर कर आते होगे, हम भी स्नान कर कर आते हैं, या आप भी स्नान कर कर आते होगे, बाथरूम में जब नहाकर बाहर निकले, निकलने के बाद जब तैयार होने के लिए दर्पण देखते होगे, बाथरूम में जब नहाकर बाहर निकले, निकलने के बाद जब तैयार होने के लिए दर्पण देखते हो, दर्पण देखते समय तुम्हारे चेहरे पर कोई दाग लगा हो, तुम्हारे चेहरे पर कोई सामान लगा हो, तो तुम गुस्सा होते हो क्या? जम के बोलो जरा, होते हो गुस्सा? नहीं। चेहरे पर अगर थोड़ा सा दाग लगा है, चेहरे पर अगर थोड़ी कोई चीज लगी है, दर्पण ने तुमको बता दिया कि चेहरे पर तुम्हारे ये लगा है, तुम गुस्सा नहीं होते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। तुम दर्पण नहीं फोड़ते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। तुम दर्पण को नहीं तोड़ते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है जो दर्पण की तरह होता है, हमारी बुराई को हमारे सामने प्रकट करता है। तो हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, हमारी निंदा कर कर, हमारी बुराई कर कर वो सम्मुख में प्रकट कर रहा होता है। आप बनाओ अपने बच्चों को, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, CA बनाओ, कलेक्टर बनाओ, SP बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चे को सर्वप्रथम संस्कारित बनाओ, संस्कारवान। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। बनाओ अपने बच्चों को संस्कारवान।
अपने बच्चे को ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करें। शिव कथा कह रही है, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, जब हम देव आदिदेव महादेव के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करें तो उसका एक आनंद बढ़ जाता है। महाराज, भक्ति ऐसी करो, कई लोग कहते हैं भक्ति ऐसी करो, भक्ति ऐसी करो, चार लोग क्या कहेंगे। हम कहते हैं भक्ति कर रहे हो तो चार लोगों के मुख पर मत जाना, भक्ति करो तो ये मत सोचना कि चार लोग क्या कहेंगे। मंदिर जाऊंगी, चार लोग क्या कहेंगे। अगर बेलपत्री चढ़ाऊंगी, चार लोग क्या कहेंगे। दुर्वा चढ़ाने जाऊंगी, चार लोग क्या कहेंगे। अगर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाकर चावल के दाने चढ़ाएंगे, चार लोग क्या कहेंगे। हम शिव जी के मंदिर में जाकर पशुपति व्रत करेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। भक्ति ऐसी मत करो कि तुम सोचो कि चार लोग क्या कहेंगे। भक्ति करते समय तुम्हारे भीतर यह होना चाहिए कि चार लोग क्या कहेंगे उससे मतलब नहीं होना चाहिए। भक्ति करते समय तुम्हारे मन में यह होना चाहिए कि मेरा भोले बाबा क्या कहेगा, बस उससे मतलब होना चाहिए। पशुपति व्रत करने से पहले तुम्हारे मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, मैं करूंगी और मंदिर जाऊंगी और लोग क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी वहां उसकी पत्नी होने के बाद, उसका पति इतना बड़ा ऑफिसर होने के बाद पशुपति व्रत कर रही है, चार लोग क्या कहेंगे। अरे ये तो दुनिया के लोगों का काम है कहना, ढोलक बजा बजा कर भजन गाओगे तो भी लोग कहेंगे। बताओ, ये आ गई सती सावित्री। और अगर तुम मंदिर नहीं गए, भजन नहीं गाया, भगवान की भक्ति नहीं करी तो लोग कह देंगे, बताओ ये आ गई अप टू डेट मैडम, ये किसी काम की नहीं। अब बताओ करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे। मंदिर जाऊंगी लोटा भर के, घर से जल भरकर मंदिर जाऊंगी तो चार लोग क्या कहेंगे। कई पुरुष लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी से कह देते हैं, मैं जाऊंगा तो दोस्त लोग हंसेंगे, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, अब मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे। अब ईमानदारी से बोलो, क्या मोहल्ले के लोग तुम्हें खाने को दे रहा है। बोलो री कोटा की जी, मोहल्ले के लोग खाने को दे रहे हैं। पड़ोसी तुम्हारे यहाँ फ्रिज ला के दे रहा है, पड़ोसी या रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ एसी लगवा रहे हैं। अगर कोटा में लगवा देते हो तो बात दूसरी है, हमारे यहाँ सीहोर में तो कोई नहीं लगवाता। पड़ोसी ना खाने को दे रहा है, रिश्तेदार ना तुम्हारे यहाँ कूलर ला कर दे रहा है, रिश्तेदार ना तुम्हारे घर में एसी लगवा रहे हैं, ना तुम्हारा बिजली का बिल का खर्चा उठा रहे हैं, ना तुम्हारे पानी का खर्चा उठा रहे हैं, ना तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। फिर हम क्यों सोचें कि हमारे भजन करने से, शंकर जी को जल चढ़ाने से, शिव जी के मंदिर जाने से, शंकर का गुणगान करने से, शिव महापुराण सुनने से चार लोग क्या कहेंगे। हमें यह सोचना है कि मेरा भोले बाबा क्या कहेगा, उसकी भक्ति का धारण करें हम, उसके भजन को धारण करें हम, उसके स्मरण को धारण करें हम, उसकी भक्ति को अपने भीतर उतारे हम, उसके भजन को अपने भीतर उतारे। अरे भाई, जब तारकासुर की माता ने, कल की कथा में था बारंगी, तारकासुर की माता बारंगी ने जब अपने बेटे से कहा कि ऋषिवर बोले हैं, गुरुवर बोले हैं कि ब्राह्मण को भोजन कराना है, पिता के निमित्तात्र कराना है, वज्रंगासुर के अनुसार उसके उसकी मुक्ति के लिए, उसकी गति के लिए हमें ब्राह्मण का भोजन कराना है, तो तारकासुर कहते हैं मां कौन ब्राह्मण हमारे यहां भोजन करने के लिए आए। मां कौन ब्राह्मण हमारे घर में भोजन करने के लिए आएगा, किस ब्राह्मण को हम बुलाएं, किस ब्राह्मण को हम अपने करीब में बुलाएं कि हमारे घर में आकर भोजन कर ले। वारंगी ने कहा तुम ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण तो दो। तारकासुर ने पृथ्वी के सारे ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे दिया, सारे संतों को तारकासुर ने भोजन का निमंत्रण दे दिया। तारकासुर ने सारे ब्राह्मणों को जब भोजन का निमंत्रण दिया, संतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, संतों को भोजन के लिए जब बुलाया तो सारे के सारे संत साधु ब्राह्मण गुरुजन जितने भी थे, कोई तारकासुर के यहां भोजन करने के लिए नहीं गया।
क्योंकि मालूम था कि ये उपद्रवी है, ये उसको मालूम था कि ये उपद्रवी है, ये उपद्रव करेगा, उसको मालूम था कि ये गलत काम करेगा। और अगर हम भोजन करने चलेगा और भोजन में इसने कहीं मांस मिला दिया तो, भोजन में अगर गलत पदार्थ मिला दिया तो, इसलिए एक भी संत, एक भी साधु, एक भी गुरुजन, एक भी ब्राह्मण जन तारकासुर के यहां भोजन करने नहीं गया। तब तारकासुर को क्रोध आ गया और तारकासुर ने आक्रमण कर दिया वैकुंठ पर, तारकासुर ने आक्रमण कर दिया इंद्रलोक पर, तारकासुर ने आक्रमण कर दिया ब्रह्मलोक पर, सारे देवताओं को सबको तारकासुर ने इधर उधर कर दिया, सब पे अपना राज्य स्थापित कर दिया। भगवान नारायण से पूछा, बताओ मेरे पिता बजरंगासुर को गति प्रदान करना है, ब्राह्मण भोजन करने नहीं आते, संत भोजन करने नहीं आते, गुरुजन भोजन करने नहीं आते, तो मैं भोजन कैसे कराऊं? भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी से पूछो। ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि इंद्र से पूछो, इंद्र कहते हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से पूछो। शंकर भगवान के पास जब तारकासुर पहुंचा, तारकासुर नेत्र बंद करे हुए भगवान देवाधिदेव महादेव के विग्रह को देख रहा था, केवल शिव तत्व को केवल निहार रहा था, शंकर को केवल देखने का प्रयास कर रहा था, शिव को पहचानने का प्रयास कर रहा था तारकासुर। और भगवान शंकर को जब पहचानने का प्रयास तारकासुर कर रहा था, नेत्र बंद थे मेरे देवाधिदेव महादेव के, पार्वती उनके नजदीक में विराजी थी, माता पार्वती जी ने तारकासुर को देखा और तारकासुर से माता पार्वती जी ने पूछा, तारके ए तारके कैसे आना हुआ? तारकासुर कहते हैं, माता जी मेरे पिता को गति प्रदान करना है, मेरे पिता को मोक्ष प्रदान करना है, ब्राह्मण भोजन के लिए नहीं आते, संत साधु भोजन करने नहीं आते, गुरुजन कोई भोजन करने नहीं आते, मां इसलिए मैं महादेव से पूछने के लिए आया हूं कि मैं किसको भोजन करूं, मैं किसको भोजन दूं। मैं किसको गति प्रदान करूं? पार्वती मैया मौन चुप हो, एकदम मौन। और माता पार्वती जब मौन हुई, तारकासुर ने विचार करा, मैं महादेव जब तक नेत्र नहीं खोलते तब तक मैं उनकी आराधना करूं। शिवनाम का जाप तारकासुर ने किया, तारकासुर ने जब शिव नाम का जाप करना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को रिझाना प्रारंभ करा, भगवान देवाधिदेव महादेव राजी नहीं हुए। श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है, बोलो आती कि नहीं आती? अरे जम के तो बोलो जरा, आती है ना? श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है, शायद 13 अक्टूबर की पढ़ना चाहिए हो, मासिक शिवरात्रि श्राद्ध पक्ष में। तारकासुर को मालूम नहीं पड़ा कि कैसे दिन निकलते गए निकलते गए निकलते गए। एक श्वेत पुष्प तारकासुर तोड़ कर लेकर आए, श्वेत पुष्प। तारकासुर को नहीं मालूम था कि श्राद्ध पक्ष में शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन आज तारकासुर श्वेत पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहा है। ये तारकासुर को ज्ञात नहीं, तारकासुर को मालूम नहीं। पहले तो लोग केवल एक शिवरात्रि को जानते थे, भाई बोलो सही है कि गलत? केवल एक शिवरात्रि माघ महीने की जानते थे कि महाशिवरात्रि होती है। शिव महापुराण की कथा धीरे धीरे सुनते 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 शिवरात्रि के महत्व को लोग जान गए। एक पत्र आया है देखिए, शिल्पा सिंह कुनाहड़ी
कोटा राजस्थान से हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम शिल्पा है गुरुदेव, मैं शिव महापुराण की कथा दिसंबर 2022 से सुन रही हूं। गुरुदेव, मैंने सरकारी नौकरी के लिए कई प्रयास किए हैं।